मुंबई के कल्याण के अंदर मौजूद है अल्लाह के वली की एक ऐसी दरगाह शरीफ जो कि रेलवे की पटरियों के बिल्कुल बीचों बीच है। और दोस्तों यहाँ पे आज उर्स मुबारक स्टार्ट है, तो उर्स मुबारक का पूरा मंजर दिखाने वाले हैं और यहाँ की क्या करामत थी जो रेलवे की पटरियों के बीच में यहाँ पे आज भी दरगाह शरीफ मौजूद है। और यहाँ पे गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ा और दरगाह शरीफ के लिए यहाँ पे जगह छोड़नी पड़ी। क्या करामत है, पूरी मालूम हम आपको यहाँ पे देने वाले और यहाँ पे आप कैसे आ सकते हो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने। उन्होंने उनकी करामत दिखाई और पटरी के टुकड़े हो गए, तो उस टाइम से फिर अंग्रेज लोग ने आके सर झुकाया, उनके नाम पे जगह छोड़ दी है। जो पहले की जो सरकार थी वो काफ़ी कोशिश कर रही ताकि इनको यहाँ से हटा सके। जो पटरियाँ दिन भर बिछा के चले जाते थे, दूसरे दिन आते तो पटरियाँ उधर उधर बिखर के पड़े रहती थी। तो चलिए दोस्तों हम आपको लेकर के जाने वाले हैं कल्याण के अंदर। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आपको आना पड़ेगा मुंबई कल्याण में। तो कल्याण रेलवे स्टेशन के अंदर ही ये दरगाह शरीफ मौजूद है रेलवे की पटरियों के बीच में। तो वहाँ पर अभी हम आपको लेकर के जा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप मुंबई आते हो तो लोकल पकड़ के भी आप आराम से जो अल्लाह के वली की दरगाह शरीफ है जिनको स्लीपर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और भी क्या क्या करामत है और यहाँ पे आप कैसे आ सकते हो, जो वहाँ के दरगाह शरीफ के खिदमतगार है जो खादिम है, हम उनकी जवानी जानने की कोशिश करेंगे। आज वहाँ पे उर्स मुबारक है, तो उर्स मुबारक का मंजर दिखाएंगे और अल्लाह के वली की मजार शरीफ की आपको हम ज़ियारत कराएंगे। तो दोस्तों बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखना, काट काट के बिल्कुल मत देखना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये कल्याण रेलवे स्टेशन है, अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद में ब्रिज चढ़ के आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से भी अभी आपको दरगाह शरीफ का थोड़ा मंजर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो पूरी जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं। आप यहाँ देखिए दरगाह शरीफ मौजूद है अल्लाह के वली की, और चारों साइड में इसके आपको पटरियाँ ही पटरियाँ नज़र आएगी। नीचे से जाकर के अभी हम आपको पूरा मंजर दिखाने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आप सामने देख सकते हो, ट्रेन सामने की ओर खड़ी है और यहाँ पे ये रेलवे की पटरियाँ मौजूद है। जैसे अभी यहाँ पे आपको पटरी नज़र आ रही है, ऐसे ही दरगाह की दूसरी साइड भी आपको पटरी नज़र आएगी। जैसे कि आप ये देख सकते हो, मुंबई की लोकल ट्रेन वहाँ पे खड़ी है और इसी रेलवे की पटरी के यहाँ पर आप दरगाह शरीफ देख सकते हो, और ऐसे ही दरगाह शरीफ के दूसरी साइड भी पटरी मौजूद है। और यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर जितने भी लोग है, यहाँ पर जो रेलवे की पटरी है वो क्रॉस कर रही है, पूरा मंजर है। दोस्तों ये पूरा वीडियो शूट करने वाले हमारे ही पत्रकार हैं मोहम्मद मुकीम शेख, जिन्हों का यूट्यूब चैनल है लाइव जियारत, तो आप उन्हों का चैनल भी जाकर के देख सकते हो। उन्हों के द्वारा ही ये पूरा वीडियो शूट करा गया है। आप ये पूरा मंजर देखिए, सामने लोकल ट्रेन मौजूद है। तो चलिए दोस्तों और भी आगे जाएंगे और आगे से भी हम आपको मंजर दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो अल्लाह के वली है उनसे जुड़ा हुआ काफ़ी बड़ा वाक्या बताया जाता है। अल्लाह के वली की काफ़ी बड़ी यहाँ पे करामत बताई जाती है। बताया जाता है कि पहले के टाइम में यहाँ पे जब पटरियाँ बिछा रहे थे तो यहाँ पे अल्लाह के वली मौजूद थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो पटरियाँ बिछाई जाती थी अंग्रेजी सरकार के टाइम में, मतलब अंग्रेज़ों की जब हुकूमत थी यहाँ पर, तो उस टाइम में यहाँ पर ये पटरियाँ बिछाई जाती थी। लेकिन यहाँ पर जो दरगाह आज जिस जगह मौजूद है उसके ऊपर से भी यहाँ पर पटरियाँ बिछाई जा रही थी, लेकिन पटरियाँ अपने आप मतलब चटक के टूट जाया करती थी, हट जाया करती थी। तो दोस्तों तीन चार दिन लगातार ये सब होता रहा। लेकिन यहाँ पे जो रेलवे के अधिकारी लोग थे अंग्रेजी सरकार में, तब उन्होंने लाइव देखा यहाँ पे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन हमारी पटरी वगैरह यहाँ पे तोड़ रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने ये सारा मंजर खुद की आँखों से देखा, फिर यहाँ पे अल्लाह के वली के लिए उन्होंने दरगाह शरीफ की जगह अंग्रेजी हुकूमत के टाइम से छोड़ी हुई है। और आज भी आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे उर्स मुबारक बनाया जाता है और लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं। आप देखिए लंगर और न्याज यहाँ पे तैयार करा जा रहा है, ये पूरा मंजर है। दोस्तों यहाँ पे उर्स मुबारक के मौके पर दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, और बताया जाता है कि यहाँ पे आज के टाइम में सभी की बड़ी से बड़ी मन्नत और मुरादें पूरी होती है। और यहाँ पे जिन जिन्नात का अगर किसी के ऊपर साया भी है तो यहाँ पे आने भर से ही ये सारी चीज़ें दूर होती है। तो अभी हम यहाँ पे क्या क्या करामतें हैं और जो पटरी वाली जो करामत बताई जाती है आज भी जो रेलवे की ज़मीन के ऊपर और यहाँ पर मौजूद है दरगाह से बिल्कुल रेलवे की पटरियों के बीच में, तो यहाँ पर इन सब के बारे में हम यहाँ के जो खुदाम है, जो यहाँ के खादी में, उनसे हम जानने वाले हैं। भाई बाबा जब बुलाएंगे तभी आएंगे ना। तो चलिए दोस्तों अभी हम आपको
हजरत यहाँ पे स्लीपर वाले बाबा की दरगाह शरीफ की अंदर से ज़ियारत कराने वाले हैं, दीदार कराने वाले हैं। जैसे कि आप ये पूरा मंजर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे रेलवे की पटरियाँ यहाँ पे दोनों साइड आपको नज़र आएगी और काफ़ी बढ़िया यहाँ का आपको मंजर नज़र आएगा। और दोस्तों यहाँ देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो लंगर न्याज बनाया जाता है, कितने दिन यहाँ पे लंगर और न्याज बनाया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे उर्से मुबारक में कौन कौन सी यहाँ पे रस्में निभाई जाती है, इसी के बारे में भी अभी हम जानने वाले हैं। और यहाँ पे दोस्तों दरगाह शरीफ में मन्नत और मुरादों के कई जगह आपको धागे भी बंधे हुए नज़र आएंगे। बताया जाता है कि यहाँ पे लोग अपनी मन्नत और मुराद मांगते हुए धागा बांधते हैं और उनकी मन्नत और मुराद जल्दी से जल्दी पूरी होती है। तो चलिए दोस्तों पहले अंदर जाते हैं, अंदर का आपको पूरा मंजर दिखाते हैं, फिर हम यहाँ के जो खादिम साहब है उनसे यहाँ की करामतों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ आप सभी के लिए वीडियो के लास्ट में हम दुआ भी करवाने वाले हैं। दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ पर जो मुंबई की कल्याण के अंदर ये दरगाह शरीफ है यहाँ पर कौन कौन आ चुका है और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असलम खान, मैं इनका खिदमतगार खादिम असलम खान, मैं जो हूँ इनका जो सरकार का जो खिदमतगार हूँ और इनकी खिदमत करते आ रहा हूँ। और इनकी जो है, मैं आज से बचपन से इनके करामत सुनते आया हूँ। आज तो इनकी जो है 350 साल पुरानी जो सरकार है, जब अंग्रेज लोग जब ज़माना था अंग्रेज लोग का, तब ये सरकार जब इनको जगह पसंद आई तो सरकार आने के और यहाँ पे फेरी मार के जाने के, तो उस टाइम पे अंग्रेज लोग दिन में पटरी डालने के और रात में पटरी अपने आप टूटने की। तो एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन टाइम अंग्रेज लोग ने बोले, तीसरे टाइम देखते कौन करता है क्या करता है, तो आए और झलक दिए कि बोले हमको हमारी जगह छोड़ दो, तो लोग माने नहीं। तो तीसरे टाइम उन्होंने उनकी करामत दिखाई और पटरी के टुकड़े हो गए, तो उस टाइम से फिर अंग्रेज लोग ने इनके आके सर झुकाया, उनके नाम पे जगह छोड़ दी है। और यहाँ पे है दूर दूर के लोग आते हैं और अपनी मुराद पाते हैं, और जो भी जीन जिन्नात जादू टोना करनी केल सब ऐसे फेस होके पाते हैं। और जो कोई भी बे औलाद है उनको औलाद होके जाती है, इनके ऐसे दरबार से हर सबकी झोली भरते जाती है। ये जो है 350 साल पुरानी दरगाह, इनकी हर साल की तरह इस साल भी संदल मनाया गया। 25 मार्च से लेकर 30 मार्च तक इनका संदल होता है। 25 को परचम कुशाही, 26 मार्च को गसूल, 27 मार्च को संदल शरीफ, 28 को लंगर आम, 29 को लंगर, 30 को लंगर। बाबा जी का क्या नाम है? इनका नाम है हजरत सैयद कुतुबुद्दीन शाह रहमतुल्ला अलैह, और इनको जो प्यार से बोलते हैं स्लीपर वाले बाबा। तो बाबा जी कहाँ से आए थे? ये जो है ये सऊदी से आए हैं, सऊदी से। अच्छा, और कोई करामाते बताइए बाबा जी का? ये जो है ये पल भर में ना जाने कुंती कुंती करामत करते, पल भर में इधर पल भर में उधर, बहुत से लोगों की इनकी जो है हर लोगों की मुरत पाते है, हर फेस पा के जाते है, यहाँ पे जिन जिंदा निकल जाते है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद अशफाक है। आप यहाँ पे क्या खिदमत करते हैं? मैं यहाँ पे फूलों का है और बाबा की खिदमत भी करते हैं हम लोग। और हमारी कमेटी है यहाँ पे, ट्रस्ट है। अच्छा, क्या ट्रस्ट का नाम है? हजरत सैयद कुतुबुद्दीन शाह बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट है। अच्छा, आप बताइए अभी क्या बता रहे थे बाबा जी के बारे में? बाबा जी के बारे में यही है कि यहाँ पे जो बे औलाद होते हैं वो यहाँ पे बाबा के दर्शन करते ही उनको औलाद मिल जाती है, जिनके अंग में जिन शैतान होते हैं वो निकल जाते हैं, जिनको रोजी रोजगार नहीं होती उनको रोजी रोजगार मिल जाता है, जो भी परेशान हाल आता है यहाँ से खुश होके जाता है, नाराज होके नहीं जाता है, शिफा होके जाता है। हाँ, बड़े दूर दूर से लोग इधर आते हैं, पुणे से, मुंबई से, नासिक से, हैदराबाद से, सोलापुर से, भुसावल से, बहुत दूर दूर से यहाँ पे फरियादी इधर आते हैं बाबा के साथ और फेज पा के जाते हैं। तो जो लोग अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप यही पैगाम देना चाहेंगे कि आप लोग भी इधर आओ और इनका फैज पाओ, ये सरकार के दर पे आप भी एक बार इजारत करके जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत आप अपना नाम बताइए और आप यहाँ पर किस खिदमत को अंजाम दे रहे हो बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम मोहम्मद अनवर है और मैं सरकार का मुजावर खादिम खिदमत गुजार, अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी पीढ़ी चल रही है मेरी, और सरकार का उर्स मुबारक है, तीसरा दिन चल रहा है, यानी 27 मार्च से चालू है, 28-29 मार्च यानी आज का तीसरा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन और बहुत धूम से मनाया जाता है, और उनके चाहने वाले दूर दराज से लंबे लंबे से लोग आके चादर पेश करते हैं हजरत को,
दूर दूर से आके न्याद नजराना। आज का भी तीसरा दिन है जो लंगर सरकार के नाम का बन रहा है, 27 से 28 से 29 से, और कल लास्ट लंगर बनेगा उनके नाम से 29 मार्च का। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं सरकार का तुर्बत मुबारक, और जो मुरादें जो मन्नतें मांगी जाती है सच्चे दिल से, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े दिन में सरकार उसको कबूल भी कर देते हैं। इन तीन दिनों में कौन कौन से उर्स में प्रोग्राम किए गए? माशाअल्लाह 25 तारीख से चालू है, 25 को परचम सलामी थी, 26 को गुसुल मुबारक, और 27 तारीख को आपका संदल मुबारक, और 27 से लेके 30 तारीख तक लंगर जो न्यात नजराना चलता है उसका प्रोग्राम चलता है। आप ये बताइए कि जब ये मजार शरीफ नहीं बनी थी तो जो पटरी उखड़ने वाला वाक्य है बाबा जी के बारे में जरा वो बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मजार शरीफ तो बन चुकी थी, और बहुत से जो पहले की जो सरकार थी, आप सब जानते हैं जो पहले की जो सरकार थी वो काफ़ी कोशिश करे ताकि इनको यहाँ से हटा सके। जो पटरियाँ दिन भर बिछा के चले जाते थे, दूसरे दिन आते तो पटरियाँ उधर उधर बिखर के पड़े रहती थी। तो क्या वाक्य है वो स्लीपर बाबा के नाम से? स्लीपर वाले बाबा इनके जो पीछे बाजू है जो है स्लीपर का एक कारखाना था, जो आजकल जो लाइनों के पीछे बिछाते थे, आजकल तो सीमेंट के डाले जाते हैं, पहले तो लकड़ी के थे स्लीपर, तो इसके लिए इनका जो नाम है स्लीपर वाले बाबा से यानी जाने जाते हैं आप। तो अभी इस मजार शरीफ का जो है रख रखाव देखभाल कौन करता है, मेंटेनेंस कौन करता है? हम लोग कमेटी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम कमेटी लोग देखभाल कर रहे हैं इनकी। और ये जो जगह है ये रेलवे ने बाबा के लिए दी हुई है? जी जी जी, के जमाने से उधर उसके बारे में? जी जी, 150-200 साल हो गया तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह जो रेलवे ने दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के रेलवे के कर्मचारी भी आके इधर चादर बाबा सरकार को पेश करते हैं। तो रेलवे ने जब अंग्रेजों के जमाने में बाबा की मजार के लिए जो जमीन दी थी उसके बारे में थोड़ा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन तो सरकार के नाम की छोड़ चुकी है इधर जो रेलवे ने, आप देख रहे हैं कई जगह काम चालू है, और जो यहाँ से लेके पीछे तक जो लंगर बन रहा है, जो न्याज बन रही है, ये सरकार की हदी की जगह है। और आप जायरीन से क्या कहना चाहेंगे जो अभी तक नहीं आ पाए हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए भी दुआ हम कर चुके हैं, अभी भी करेंगे दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जो नहीं आ सके किसी वजह से, जो अड़चन में जो मुक्लिता हो गए होंगे, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार उनकी भी ज़ियारत कबूल करे। और जो जायरीन यहाँ पर कैसे आ सकते हैं जिनको रास्ता नहीं पता है, पहली बार आना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बस कल्याण शरीफ, आप कल्याण जगह कल्याण स्टेशन पे आ जाइए, और कल्याण स्टेशन पे आ गए तो कल्याण ईस्ट में 7 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने बुकिंग ऑफिस है, बस उसके सामने आप खड़े हो जाइए, सरकार का रूबरू दीदार करने मिलेगा आपको। हिंदुस्तान महाराष्ट्र और मुंबई कल्याण दरबार में जो पेश करे नायब नजराना चादर फूल खुशबू हाजरी का सवाब सही का सवाब सुशन बिल खुशी हजरत सैयद खुदी शर मुतला जो है पाक में सकती है का आमीन सुम्मा श्री हजरत सैयद खुदी शर मुतला जो पाक में सकती है का इसका सवाब आमीन हजर खुदा को हम दर पाक जाहिर में सब की हाजरी को कबूल कर आमीन या तो हमारी दिली और जाहिर इस तमन्नाओं को मुराद को कबूल फरमा आमीन या तो हम से परेशान आ गया हमारी परेशानी को दूर फरमा आमीन जैसे जो मुसीबत बना हमारी मुसीबत को दूर फरमा आमीन या तो हमारे घरों में दुकानों में कारों बाहों में मकानों में तिजारत में या अल्लाह या तो जाए से खैर को तकद आमीन या अल्लाह हजरत के बारगाह में अंदर बाहर और जो जो नहीं आ सके या अल्लाह उनकी भी हाजिरी को कबूल फरमा आमीन उनकी भी दिली जाए से मुराद को कबूल फरमा आमीन दरबार पेश के लिए मुराद से कबूल फरमा आमीन इसके अगर बनने में
जिस किसी की गलती, कोई खता, कोई भूल, कोई जानी अनजानी में या कोई गलती होगी तो अपने शान को ही करें कि सबके माफ अदा कर, हर बोला कि सही कि सबके माफ अदा कर, वो से खाते कि सबके माफ अदा कर, हर बोला कि सबके माफ अदा कर, हम सब पे रहे हम बोला तो करें कि हम सब पे करम कर, पाक के सबके लिए पाक सही शादी के सब السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.